नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। राजद में मचे घमासान से लालू प्रसाद यादव चिंतित है। जी हाँ, और उनका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा खराब बताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, दोनों भाइयों की लड़ाई से काफ़ी चिंतित हैं लालू प्रसाद यादव पार्टी और परिवार के लिए। इस बीच खबर ये आ रही है कि RJD सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बुधवार को दिल्ली एम्स पहुंचे। इससे समर्थकों की चिंता बढ़ गई। हालांकि बाद में पता चला कि वे रूटीन चेकअप के लिए वहां गए हैं। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। राजद और परिवार में पिछले दिनों आई दरार के बाद समर्थक काफ़ी चिंतित हैं लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर के। बता दें कि लालू प्रसाद यादव का किडनी समेत अन्य बीमारियों का इलाज एम्स दिल्ली की देखरेख में चल रहा है। उन्होंने पिछले दिनों बताया था कि उनका स्वास्थ्य तेजी से ठीक हो रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से वे पटना नहीं आ सकते हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा था कि वे जल्द स्वस्थ होकर के पटना आएंगे। दिल्ली में राजद सुप्रीमो के साथ उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। बता दें कि राजद एवं लालू परिवार में पिछले दिनों से घमासान मचा हुआ है। सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक तरह से बिगुल फूंक दिया है। हालांकि बिहार में मचे संग्राम से इतर दिल्ली से आ रही कुछ तस्वीरें कुछ और ही संकेत दे रही है। बीते दिनों राखी पर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली में थे। वहां बहनों से कलाई पर राखी बंधवाते नजर आए। राखी बंधवाने वाली तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दोनों भाइयों ने शेयर की। दोनों भाइयों के चेहरे पर कहीं से कोई तल्खी नहीं दिख रही थी। इस बीच तेज प्रताप यादव इन दिनों दिल्ली में ही समय बिता रहे हैं, दोस्तों संग मस्ती की उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं तेजस्वी CM नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी गए थे। जी हाँ, तो ये एक अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। तो वहीं अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि तेज प्रताप यादव के जो तेवर है वो ठंडे पड़े हैं या नहीं। लालू प्रसाद यादव दोनों बेटों को मना लिए हैं, दोनों बेटों में सुलह करवा दिए हैं या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स गए थे रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन उनकी जो तबीयत है थोड़ी सी खराब ज़रूर बताई जा रही है, क्योंकि वे स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।